गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहाना लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुहाना। तो कैसे हैं आप? होपफुली आप अच्छे होंगे, हम भी यहाँ पर अच्छे हैं। तो आपको एक क्लोज दिख रहे होंगे क्योंकि जैनुल नहाने गया है और हमारा नहाना सफाई वगैरह सब हो चुकी है। तो मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाए। तो एक अच्छी सी रेसिपी मेरे माइंड में आई है, एक्चुअली मैं उसे बनाती भी रहती हूँ, बहुत टेस्टी, बहुत झटपट से बनने वाली है, बहुत हेल्दी है। तो आइए मेरे किचन में और देखते हैं आज मैं आपके लिए क्या रेसिपी लेके आई हूँ। तो आइए उपमा बनाने की तैयारी कर लेते हैं, जो बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है नाश्ते में। तो ये मैंने लिया है सूजी, ये बारीक वाली सूजी है, मोटी वाली सूजी भी आप ले सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा उपमा बनता है। तो मेजरिंग हम इस कटोरी से लेंगे, तो इसी से ही हमें आगे पानी भी नापना है। तो मैंने एक छोटी कटोरी ली है सूजी और यहाँ पे थोड़ी सी पीनट्स ली है, हैंडफुल ली है, मतलब ये अंदाजे से मैंने ली है। एक छोटा प्याज लिया है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये कुछ राई के दाने हैं, सॉल्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, उड़द की दाल है एक छोटा चम्मच और चने की दाल एक छोटा चम्मच। ये कच्ची है, भीगी भी उबली हुई नहीं है। ये है थोड़े से मटर, कड़ी पत्ता डालना बहुत जरूरी है तो आप जरूर डालना, जीरा और हरी मिर्च। इसमें लाल मिर्चें नहीं डलेंगी इसलिए हमने हरी मिर्च ली है एक। अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो आप दो ले सकते हैं। तो ये सब सामान है तैयारी कर लिए। लेमन और हरा धनिया है, वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो चलिए उपमा हम बना लेते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है, हमें मीडियम टू स्लो फ्लेम रखना है, बहुत ज्यादा हाई नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ, आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में बहुत अच्छी बनती है इसलिए मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। कोशिश करना कि आप भी घी का ही यूज़ कीजिए। तो मैंने इसमें एक छोटा चम्मच मैंने इसमें घी डाला है। अपनी सूजी को मैं इसमें भून लूंगी, स्लो फ्लेम पे भूनूंगी मैं, हमें इसमें कलर नहीं लाना, बस इसकी रॉ स्मेल निकल जाए। सूजी को भूनने से बहुत अच्छा हलवा या फिर उपमा तैयार होता है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, जल्दी से इसके अंदर कीड़े नहीं लगते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर हम सूजी को स्टोर करना चाहते हैं। तो बस 5 मिनट तक हम इसको स्लो फ्लेम पे भून लेंगे। ये देखिए 5 मिनट लगे हैं मुझे इसको बहुत स्लो फ्लेम पे कुक करने में। इसको हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए और हम नेक्स्ट प्रोसेस इसी पैन में कर लें, हमारे बर्तन भी गंदे नहीं होंगे। पैन मैंने एक बार और चढ़ा दिया है, इसमें मैं 1 चम्मच घी डालूंगी। थोड़ा सा इसको हम मेल्ट होने देंगे, घी को ऐसे गर्म करने की खैर जरूरत नहीं होती है। इसमें हम डालेंगे पीनट्स, इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे हमारे घी में मीडियम टू स्लो आपको फ्लेम रखना है। हमारी मूंगफली फूटने लगी हैं, अब मैं इसको निकाल लूंगी। हमें घी नहीं बढ़ाना है, इसी घी में हमारा पूरा उपमा तैयार हो जाएगा। सबसे पहले मैं डालूंगी मस्टर्ड सीड्स, राई, हमारी उड़द और चने की दाल। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। फ्लेम आपको याद रखना है कि आपको मीडियम टू स्लो रखना है, हाई करेंगे सब कुछ जल सकता है। अब इस दाल को अच्छे से इसमें हम
भून लेंगे। ये देखिए जब तक इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन नहीं हो जाता, और आप इसमें से कोई भी सामान स्किप नहीं करना, इसी तरीके से बनाना, आपको टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ये देखिए अब हम डालेंगे हमारा जीरा। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और अपना अनियन। बस अब हम अच्छे से इसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, बस इतना कि ये हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए हमारे अनियन। ढक दूंगी मैं एक मिनट के लिए। देखते हैं, ये देखिए हमारे अनियन अच्छे से पिंक हो गए हैं, देखिए आप। अब डालेंगे हमारी मिर्चें और उसको अच्छे से चलाएंगे। इसमें लाल मिर्ची हमें नहीं डालनी है। डालेंगे हमारा मटर और इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर अपना सॉल्ट डाल देंगे इसी स्टेज पे। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने लिया है फ्रेश मटर, आप और भी वेजीज का इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रेश मटर है, इसको थोड़ा गलाना ज़रूरी है, तो मैं आपको बताती हूँ। फ्लेम में कर दूँगी मीडियम। ये इस कटोरी से हमने लिया था हमारा सूजी, तो मैं ये तीन डालूँगी भर के। एक कटोरी सूजी है और तीन कटोरी हमारा पानी है। ये देखिए बस फ्लेम में हाई कर दूंगी। अब हम इसको कुछ मिनट के लिए उबलने देंगे, ताकि जो मटर है वो थोड़ा सा गल जाए। बहुत ज्यादा ओवर कुक हमें नहीं करना है, सिर्फ गलाना है। मुझे सॉल्ट थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी। सॉल्ट आपको अपने अकॉर्डिंग ही डालना है, जितना आप खाते हैं। मिक्स कर देंगे इसको और ढक देंगे ताकि ये उबल जाए अच्छे से। चलिए देख लेते हैं। अभी मटर हमारे गले नहीं है, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी मैं। देखते हैं मटर हमारे गल चुके हैं, और हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं गलाना है, बस इतना ही। अब मैं करूंगी मीडियम, हमारा फ्लेम हमारा स्लो ही है। अब मैं अपनी सूजी इसमें ऐड कर दूंगी। हम डालते रहेंगे सूजी और इसको हिलाते रहेंगे, ताकि इसमें कोई लंप ना बने। और ये बहुत जल्दी से अपने अंदर पानी को ले लेती है सूजी। देखिए बस आपको ऐसे चलाना है। फ्लेम मेरा मीडियम ही है। ये देखिए अब मैं क्या करूंगी, ये देखिए ढक के रख देंगे सिर्फ एक मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सूजी हमारी फूल जाए। एक मिनट हो चुका है, आइए ये देखिए अच्छे से हमारा उपमा तैयार हो गया है। हमें अब क्या करना है, अभी हम एकदम से सर्व नहीं करेंगे, अभी हमारी सूजी थोड़ी सी और अच्छे से खिलेगी तब हम इसको सर्व करेंगे। अब मैं डाल दूंगी इसमें हमारा लेमन और हमारे पीनट्स। ये देखिए
फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बहुत बढ़िया से यम्मी यम्मी हमारा उपमा तैयार हो जाए। हरा धनिया डाल दूंगी इसमें मैं ढेर सारा, मिक्स करेंगे। चलिए अब मैं 2 या 3 मिनट के लिए ना इसको ढक के रख दूंगी ताकि जो हमारा उपमा है ना वो थोड़ा सा अच्छा सा खिला खिला हो जाए और थोड़ा रेस्टिंग मिलता है ना इसको, तो ये बहुत अच्छे से खिल जाता है। तो मैं इसको ढक के रख दूंगी कुछ 2 से 3 मिनट के लिए। चलिए देख लेते हैं, ये देखिए कितना अच्छा हो गया है ये। चलिए तो अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। उपमा जो भी आप इसको कहना चाहें बहुत टेस्टी बनता है, बहुत यमी बनता है, तो बनाइए खाइए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को एंजॉय कराइए। ये देखिए मेरी रेसिपी कैसी लगी, बहुत अच्छी रेसिपी है, हेल्दी है। आपने देखा कितना थोड़ा सा इसमें ऑयल लगता है और बहुत यम्मी बहुत टेस्टी लगती है। छोटे बच्चों को भी आप खिला सकते हैं, उनको नट्स वगैरह आप नहीं डालना, प्लेन अगर आप उपमा बना के उनको खिला सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा। और मस्ट ट्राई रेसिपी है, जरूर इसको ट्राई कीजिए और बहुत टेस्टी बहुत यम्मी ये रेसिपी है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।